हमीरपुर के हीरानगर स्थित चिल्ड्रन पार्क में अब सुबह और शाम केवल 3-3 घंटे ही लोग सैर कर सकेंगे। तो इसके अलावा प्रतिबंधित समय में कोई पार्क के अंदर घूमता हुआ पाया जाता है तो उसका फॉरेस्ट एक्ट के तहत चालान काटा जाएगा। बकायदा टाइमिंग की सूचना भी पार्क के मुख्य द्वार पर चिपकाई गई है। हमीरपुर डीसी आवास के पास स्थित चिल्ड्रन पार्क में सुबह शाम कुल मिलाकर केवल 6 घंटों के लिए एंट्री मिलेगी। 18 घंटे ये बंद रहेगा। बच्चों, बुजुर्गों और आम आदमी के लिए इस पार्क में एंट्री का समय तय हो गया है। यदि प्रतिबंधित समय में कोई इसके भीतर चला गया तो फॉरेस्ट एक्ट के तहत चालान कटेगा। पार्क के गेट पर विभाग ने हिदायत चिपका दी है। जानकारी के अनुसार करीब 50 लाख रुपए की लागत से पार्क की रेनोवेशन का काम पूरा हो चुका है। इसकी निगरानी गार्ड द्वारा रखी जाएगी। पार्क के बने गेटों पर ताले लगाकर रखे जाएंगे ताकि कोई भी बेवजह इसके अंदर न घुस सके। बच्चे झूलों का इस्तेमाल कर सके इसके लिए दिन के समय सैनिटाइजेशन का काम भी किया जाएगा। वहीं आखिरी फेज को मांगे 10 लाख रुपए पार्क की ब्यूटिफिकेशन का काम हाल ही में पूरा हुआ है, जिसमें यहां एक हाई मास्ट लाइट, नए झूले, ब्यूटिफिकेशन, वॉकिंग ट्रेल, लाइटिंग फाउंटेन, योगा सेंटर सहित कुछ और नई सुविधाएं भी जुटाई गई हैं। आखिरी चरण का काम पूरा करने के लिए 10 लाख रुपए वन विभाग ने और मांगे हैं, जिसमें यहां एक नया रेन शेल्टर और कुछ सुविधाओं की एक्सटेंशन का काम शामिल रहेगा। DFO LC बंदना ने बताया कि चिल्ड्रन पार्क को खोलने व बंद करने के लिए टाइमिंग रखी गई है और प्रतिबंधित समय में अगर कोई पार्क के अंदर घूमता हुआ पाया जाता है तो फॉरेस्ट एक्ट के तहत उसका चालान काटा जाएगा। आजकल अभी हमने लॉकडाउन के टाइम में बंद करके रखे थे और कुछ काम भी चले हुए थे, तो अभी हमने रिसेंटली मॉनसून के बाद, मॉनसून मतलब जुलाई के बाद, जब हमारा घास घूस लगने के बाद ये दोबारा खोलना शुरू किया। फिर भी हमने ये रेस्ट्रिक्शन ये किया था कि हम सुबह 5 बजे से 8 बजे तक, जब यहाँ का लोग जो है कि ज़्यादा मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए जो बहुत ज़रूरी है, उसी हिसाब से हमने खोला हुआ है। और शाम को भी वैसे ही 5 बजे से 8 बजे तक रखा हुआ है। अभी फ़िलहाल बच्चे उधर आने का और शाम के टाइम में लोकल जो लोग हैं वो उनका इवनिंग वॉक और अपने मतलब रिलैक्सेशन इन जो नेचर एरियाज़ है वो करने के लिए, इसको सुविधा के लिए 5 से 8 तक रखा हुआ है अभी भी। हाँ, हम ये बोलते हैं कि दूसरा टाइमिंग में कि इसमें ना जाए, क्योंकि हमारा काम भी आगे को भी मतलब और करने का है, और अंदर जाके भी ये रखे कि हमेशा साफ सफाई का ख्याल रखे, और जो प्लास्टिक हो या जो भी हम खाते पीते हैं वो अंदर में मतलब वो साइड इसमें जंगल में मत फेंके। कि मतलब जो हम सब ये जानते हैं कि जैसा हमीरपुर जैसा टाउन में और ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया में जो हमने एक फॉरेस्ट का नेचर पार्क जो रखा होते हैं कि ये यहाँ का पब्लिक के लिए है, तो उसमें जो है जैसा हम स्वच्छता में जो ध्यान रखे होते तो उसी हिसाब से ही मतलब ये पालन करें, बिल्कुल इसमें ये मत करे। और जैसा फाउंटेन है या कुछ स्ट्रक्चर है तो ये सब में मतलब ख़राब मत करे, मतलब आप लोग के लिए ये, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए ये, इसको साफ सफाई अपने इसमें रखे और इन पोजिशन जो भी स्ट्रक्चर्स हैं तो उसको अच्छे से रखे, उसमें मतलब नुकसान मत कर कीजिए। ये मेरा ये है पब्लिक को मतलब मैसेज है। वैसे अभी मानसून का प्लांटेशन जस्ट ओवर हुआ है, तो हमारा इस बार अराउंड 275 हेक्टर का नया प्लांटेशन किया हुआ है, और इसमें हमने मतलब लोगों, पब्लिक को तो हमने इसमें ये नहीं कर पाए थे और इसमें एसोसिएट नहीं कर पाए थे ड्यू टू दिस लॉकडाउन एंड कोरोना। और स्कूल चिल्ड्रन को भी हर साल हम करते हैं, फिर वो भी नहीं कर पाए, तो फिर बाद में हमें मतलब एट द एंड ऑफ दिस ऑगस्ट हमें जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ जो है इनके साथ मतलब कुछ पंचायत में हमने पौधारोपण किया हुआ है, तो टोटल 1,30,000 का प्लांटेशन किया हुआ है। और ये एक मॉनसून का बड़ा एक्टिविटी रहता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो अभी सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किया हुआ है। और जो भी फॉरेस्ट में जो हमारा ट्रीज जो सूखे होते हैं या ड्राई हो जाते हैं,
जो फॉरेस्ट में रखने में जो ठीक नहीं लगता है, तो ये सब को हम उसको मार्क करके हैंड ओवर करते हैं फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को। तो वो कार्य चला हुआ है और वो भी हमने 15 सितंबर तक फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को उसको काटने के लिए हमने हैंड ओवर करना है। और आगे को हमने ये मानसून ख़त्म होते ही जो लेंटाना फॉरेस्ट में है ये सब हटाने का कार्य रहेगा। और जो सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन जो है, जो फॉरेस्ट में जो भी नाली नोली जो है, ये सब का ट्रीटमेंट करने का भी एक ये बड़ा कार्य रहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। तो ये सब भी हमारा मानसून ख़त्म होते ही शुरू हो जाएगा।